भोजपुर में तीन नाबालिगों ने मर्डर की प्लानिंग, एक कॉल से खुला हत्या का राज। भोजपुर में बहन से छेड़खानी करने के वाले दोस्त की भाई ने हत्या कर दी। मामला मुफसिल थाना क्षेत्र के भेलडुमरा गांव का है। 28 मई को 17 साल के रवि कुमार की शव मिला था। शुक्रवार को पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी भेलडुमरा गांव के रहने वाले हैं। हत्याकांड में लड़की के भाई सहित तीन पर आरोप लगा है। तीनों नाबालिग है। रवि अपने एक दोस्त के घर आया जाता जाया करता था। इसी दौरान वह उसकी बहन से साथ छेड़खानी भी करता था। इसके बाद लड़की के भाई ने अपने दो दोस्तों से इस बात की समस्या का समाधान पूछा। वो उसने दोस्तों के साथ मिलकर रवि की हत्या कर दी। रवि के हत्या की गई, धारदार हथियार और उसमें यूज किया गया मोबाइल भी हाथ लग गया पुलिस। वहीं अगली खबर के तरफ रुको मोड़ते हैं। उड़ीसा के बालासुर में शुक्रवार के शाम हुई रेल हादसे में मरने वाले की संख्या बढ़कर लगभग 288 हो गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हादसा बालासुर के बहनागा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार के शाम करीब 7 बजे हुआ। न्यूज एजेंसी ने रेलवे हादसे की जानकारी दी है कि गाड़ियों के बीच टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम इस रूट पर मौजूद नहीं था। हादसे में 23 घंटे बाद यानी शनिवार के शाम 6 बजे तक रेल मंत्री या रेलवे मिनिस्ट्री ने हादसे की वजहों के कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस वजह से ये घटना हुई है। इसमें 2 सुपर फास्ट एक्सप्रेस और 1 मालगाड़ी की टक्कर हुई। वहीं बता दें कि मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी और 2 सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके कारण मालगाड़ी पर जा गिरी। ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इसमें बहुत बड़ी हादसा हुई है।